और आप देख रहे हैं आपरो राजस्थान न्यूज। भाजपा की ओर से शनिवार को रक्तदान शिविर लगाया गया त्रिवेणी मैरिज गार्डन अजीतगढ़ में, जिसमें 368 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर का उद्घाटन पूर्व विधायक जावर सिंह खर्रा ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा थे। कार्यक्रम को अजीतगढ़ पंचायत समिति के प्रधान शंकरलाल यादव, भाजपा नेता रामधन मेहता, युवा मोर्चा प्रभारी अर्जुन यादव, भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी दिनेश धवाई भी संबोधित किया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आज 72वां जन्मदिन पूरा देश हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है। उसी कड़ी में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के 6 मंडलों के युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के द्वारा आज अजीतगढ़ के त्रिवेणी गार्डन में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस रक्तदान शिविर में क्षेत्र के युवा मोदी जी के प्रति समर्पित होकर उत्साह से रक्त दे रहे हैं। रक्तदान महादान होता है, इससे कितने ही लोगों की जान बचेगी। इसी उद्देश्य से ये मोदी जी के जन्म उत्सव पर प्रारंभ में पहले दिन ये कार्यक्रम रखा गया है। परसों इसी कड़ी में जिन्होंने कोविड वैक्सीनेशन प्रथम डोज या द्वितीय डोज नहीं ली है या जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है, वो भी इसी कार्यक्रम का एक अंग होगा। इसी प्रकार से कोविड वैक्सीनेशन का भी आयोजन रखा गया है। युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता इसके लिए सराहनीय हैं, उन सबको साधुवाद। अजीतगढ़ के त्रिवेणी गार्डन में आज ये विशाल रक्तदान शिविर, जिसमें हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय जननायक जावर सिंह जी खर्रा स्वयं उपस्थित रहे और अभी प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हिमांशु जी शर्मा भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देने वाले हैं। क्षेत्र के तमाम बड़े नेता आज इस त्रिवेणी गार्डन में उपस्थित हैं, युवाओं का जोश बढ़ा रहे हैं और रक्त की एक बूंद किसी पीड़ित के काम आए, इसी उद्देश्य से यह रक्तदान शिविर आज रखा गया है।